हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबील और काबील भी थे। इनमें हाबील छोटा और काबील बड़ा था। हाबील का काम बकरियां चराना और काबील का काम खेती बाड़ी करना था। हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की लीवा और काबील के साथ पैदा होने वाली लड़की अकलीमा थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कि शरीयत के मुताबिक हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह काबील के साथ और काबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह हाबील के साथ होना था। हाबील तो राजी था, मगर काबील ने कहा कि मैं तो इसी लड़की के साथ निकाह करूंगा जो मेरे साथ पैदा हुई। जब यह झगड़ा तूल पकड़ता चला गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों भाइयों से फरमाया कि अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी इसकी कुर्बानी को आग खा जाएगी और यूं इसकी बात तस्लीम कर ली जाएगी। चुनांचे हाबील ने एक दुम्बा अल्लाह ताला की राह में पेश किया और काबील ने गंदम का एक अंबार पेश कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह करीम, जो भी अकलीमा का ज़्यादा हकदार है इसकी कुर्बानी कबूल फरमा। हाबील की कुर्बानी को आग ने खाकर कबूलियत बख्शी, जबकि काबील की कुर्बानी को आग ने कुछ भी ना कहा, यानी काबील की कुर्बानी कबूल ना हुई। काबील के दिल में हाबील के लिए हसद और नफरत बढ़ गई और इसने हाबील से कहा कि वो इसको कत्ल कर डालेगा। और इस वाक़े का बयान कुरान करीम में कुछ इस तरह से होता है, और इन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के बेटों की सच्ची खबर। जब दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की तो एक की कबूल हुई तो दूसरा बोला, कसम है तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा, अल्लाह इसी से कबूल करता है जिसे डर है। बेशक तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे, तो मैं अपना हाथ तुझ पर ना बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। मैं तो अल्लाह से डरता हूं जो मालिक है सारे जहानों का, तो तू ये चाहता है कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े, तो तू दोजखी हो जाए और बेइंसाफियों की यही सजा है। मगर हाबील की नसीहत का काबील के ऊपर कुछ भी असर ना हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी काबील को हद दर्जा समझाया बुझाया, मगर इस पर आप अलैहिस्सलाम की नसीहत कारगर साबित ना हुई। और फिर वो भी वक्त आया जब काबील ने हाबील को आखिरकार कत्ल कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस वक्त मक्का मुकर्रमा गए हुए थे जब भाई ने भाई को जान से मार दिया। ये तारीख़ इंसानी का सबसे पहला कत्ल था और ये रूए ज़मीन पर किसी भी इंसान की पहली मौत थी। काबील को ये मालूम न था कि वो अपने भाई की जान किस तरह ले, कि शैतान ने इसके सामने एक परिंदे का सर पत्थर से कुचल कर इसको बतलाया कि किसी की जान यूं ली जाती है। चुनांचा जब हाबील बकरियां चराते हुए आराम कर रहे थे तो काबील ने आपके सर पर बड़ा पत्थर मारकर आपको हलाक कर दिया। इस वक्त हाबील की उम्र 20 बरस के करीब थी। काबील ने हाबील को जब कत्ल कर दिया तो वो हद दर्जा परेशान हुआ कि इसने ये क्या कर दिया। फिर ये भी परेशानी लाहक हो गई कि अपने भाई की लाश का वो क्या करे, क्योंकि ये पहली मौत थी और वो ये नहीं जानता था कि वो क्या करे। इसे ये भी खदशा था कि अगर इसी तरह लाश को रहने दिया जाएगा तो दरिंदे इसे खा जाएंगे। चुनांचा वो लाश को उठाए उठाए फिरता रहा। इसी परेशानी में लाश से बदबू आना शुरू हो गई। काबील को जब ये समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने भाई की लाश का क्या करे, तो कौवे ने अल्लाह के हुक्म से इसकी परेशानी को दूर कर दिया। हुआ यूं कि जब काबील अपने भाई की लाश को लिए लिए फिर रहा था तो अल्लाह ताला के हुक्म से दो कौवे इसके सामने आए और लड़ने लगे। जब इनमें से एक ने दूसरे को मार दिया तो मारने वाले कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन को कुरेदा और इसमें इस कौवे की लाश को डालकर ऊपर से मट्टी डाल दी। काबील ने ये देखा तो इसको अपनी परेशानी का हल इसी तरीका में नजर आया। लेकिन जालिम को इसके जुर्म की सजा जरूर मिलती है। काबील को भी इसके जुर्म की सजा फौरन ही मिल गई। जब तक वो अपने भाई की लाश को लिए फिरता रहा वो ठीक रहा।
ये अरसा बाज लोगों के मुताबिक 100 बरस के लगभग है। जब वो अपने भाई की लाश को सुपुर्दे खाक कर चुका तो इसकी पिंडली रान से जुड़ गई और यूं इसका मुंह सूरज की तरफ हो गया। जिस तरफ भी सूरज घूमता काबिल खुद ब खुद इधर ही घूमता चला जाता। चूंकि काबिल हासिद शख्स था और इसने अपने भाई के साथ दुनियावी गर्ज की खातिर दुश्मनी इख्तियार की थी, चुनांचा इसको इसके जुर्म की सजा मिल गई। इस बात में तो कोई शक व शुबा ना है कि जो भी किसी पर अगर जुल्म करेगा तो सजा किसी भी तरह से बच नहीं सकेगा, क्योंकि अल्लाह करीम का यही कानून है। हम देखते हैं कि अगरचा काबिल से इस जुल्म का बदला लेने वाले कोई ना था और ना ही इससे पूछने वाला कि तुमने ये जुल्म क्यों किया, मगर जो तमाम इंसानों का खालिक है इसकी कुदरत से कोई ताकतवर बच नहीं सकता। जब ये सानहा हुआ तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस वक्त मक्का मुकरमा में गए हुए थे। आप अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ लाए तो आपने मुलाहिजा फरमाया कि काबिल के जिस्म का रंग तब्दील हो चुका है, क्योंकि पहले इसका रंग सुर्ख व सफ़ेद था। आपने मक्का मुकरमा से वापस आने के बाद इससे दरियाफ्त फरमाया कि ये बताओ तुम्हारा भाई हाबील कहाँ है। इसने लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि मैं इसका जिम्मेदार तो नहीं हूँ। ये सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, तूने इसे ज़रूर कत्ल कर दिया है, इसीलिए तेरा रंग बदल गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की मौत का हद दर्जा दुख हुआ। आप इस कदर गम में मुब्तला हुए कि आप अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक मुस्कुरा ही नहीं। ये भी दुरुस्त है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दोनों बेटों की जुदाई बर्दाश्त करना पड़ी और वो इस तरह के पहले तो काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया, फिर कुछ अरसा के बाद वो खुद भी इस दुनिया से चल बसा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तकरीबन 100 वर्ष के बाद बशारत दी गई कि अल्लाह ताला आपको बेटे से सरफराज फरमाएगा तो आप खुश हो गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दोनों बेटों की वफात के बाद अल्लाह ताला ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम अता फरमाए, जो आपके जानशीन भी साबित हुए। तारीख से हमें मालूम होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 20 बेटे थे और इन तमाम की वालिदा हजरत अम्मा हवा थी। ये तमाम बेटे सिवाय हजरत शीस के जुड़वा थे, यानी लड़की और लड़का पैदा होते थे, यानी 20 बेटे और 20 ही बेटियां। इस दौर में ये होता था कि पहले जोड़े की शादी दूसरे जोड़े से कर दी जाती थी। इस तरह दुनिया में आबादी फैलती रही हत्ता कि इसके रिवाज को ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम की औलाद बढ़ती रही और जब आपकी वफात का वक्त करीब आया तो आपकी औलाद और इनकी औलादों की तादाद हज़ारों से भी बढ़ चुकी थी और वो सब जिंदा थे, माँ सिवाय काबिल और हाबील के, जो कि वफात पा चुके थे। बाज़ बुज़ुर्गों की तहकीक ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वलादत हुई तो आपकी उम्र इस वक्त 130 बरस थी। इसके बाद आप तकरीबन 870 बरस तक हयात रहे। बाज़ बुज़ुर्गों का कहना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी 9 पुश्तों को देखा है, क्योंकि अक्सर बुज़ुर्गों का ख्याल है कि आपकी उम्र मुबारक 930 बरस बनती है। जबकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद पैदा हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हयात थे, और जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद 11 बरस के थे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने विसाल फरमाया और इस दौरान अपनी औलादों और इनकी औलादों की औलादों को भी देखा। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बारिश होंगे और आपकी दाढ़ी मुबारक स्याह होगी। इसी तरह जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू मोहम्मद और दुनिया में अबुल बशर है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज के मौका पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिले तो आप आसमान पर तशरीफ़ फरमाते। इन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेक बेटे और साले नबी के अल्फाज से खुशामदीद कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके दाएं और बाएं कुछ लोग थे। आप अलैहिस्सलाम ने दाएं तरफ देखा तो हंस दिए और जब बाएं तरफ देखा तो रोना शुरू कर दिया।
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिब्राइल से दरियाफ्त किया कि जिब्राइल आखिर ये क्या मामला है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और दाएं और बाएं इनकी औलाद की रूहें हैं। जब उन्होंने दाएं तरफ वाली रूहों को देखा जो कि जन्नती हैं तो वो हंस दिए, और जब बाएं तरफ वाली रूहों को देखा कि जो दोज़खी हैं तो वो रो पड़े। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हाबील और काबील की अमवात के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से नवाजा था। शीस के मानी है अतियाए रब्बानी। इसकी वजह तस्मिया ये बयान की जाती है कि अल्लाह ताला ने हाबील के कत्ल के बाद आपकी अफसुर्दगी को दूर करने के लिए नेक और साले बेटे की सूरत में हज़रत शीस अता फरमाए, जो कि आपके जानशीन भी थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से पुख्ता अहद लिया और इन्हें दिन और शब के औकात में इबादात की तालीम और तलकीन फरमाई। ये बताया कि दिन के औकात में कौन सी इबादात करनी है और शब में कौन सी इबादात करनी है। तमाम बनी आदम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ही की औलाद है, क्योंकि बाकी तमाम औलाद आप ही की औलाद है और आप ही को नबूवत का दर्जा हासिल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रिहलत का यौम जुमातुल मुबारक है। जब आपका विसाल हो गया तो मलाइका जन्नत से खुशबूआत और कफन लाए। मलाइका ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से ताज़ियत की। इसके बाद मलाइका ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा पढ़ी और इसमें चार तकबीरें पढ़ी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मदफन के बारे में कहा जाता है कि इसी पहाड़ी के नज़दीक है जहां पर आप अलैहिस्सलाम को उतारा गया था। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपके साहबजादे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने बाग दौड़ संभाल ली। हज़रत शीस को अल्लाह करीम ने नबूवत से सरफराज फरमाया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ बुज़ुर्गों का ख्याल है कि आपकी उम्र मुबारक 1000 बरस थी, बाज़ का ख्याल है 930 बरस थी। आम तौर पर इसी पर यकीन किया जाता है कि आपकी उम्र 930 बरस थी। दुनिया की इब्तदा में ऐसी ही उम्रें हुआ करती थी। लोगों को उम्रें सैकड़ों साल अता की जाती थी और इनकी कामत भी बहुत तवील होती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उम्रें कम होती गई और लोगों के कद भी कम होते चले गए।